आए दिन शहर में कुछ ऐसे होटल्स हैं जहां पे देह व्यापार खुले तौर पे किया जाता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे होटल की जिसका नाम है ओयो होटल। ओयो होटल शहर भर में कई ऐसे नाम से होटल्स है जहां पे धड़ल्ले से देह व्यापार का कार्यक्रम शुरू है, मगर पुलिस की नजरों से आखिरकार वे बच नहीं पाए। पुलिस ने ऐसे ही ओयो होटल में देह व्यापार जब चल रहा था तो पुलिस ने रेड किया और वहां से देह व्यापार करने वाले लड़कियों को और दलालों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। मेयो हॉस्पिटल के सामने स्थित ओयो टाउन हाउस में देह व्यापार शुरू है, ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच की एसएसबी विभाग को मिली। साथ ही यह सारा व्यापार ऑनलाइन किए जाने का पता चला, जिसकी पुष्टि के लिए ऑनलाइन जाल बिछाया गया और अपना नकली ग्राहक भेजा गया। पुलिस निरीक्षक किशोर पर्वते के नेतृत्व में इस कार्य को अंजाम दिया गया। किशोर पर्वते द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले में 5 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें से 3 आरोपियों के नाम रजत डोंगरे, तुषार उर्फ सुल्तान परस्वानी और नीलेश नागपुरे हैं। साथ ही 2 युवतियों को भी इसमें पकड़ा गया है। युवतियों से पूछताछ के बाद मामला सामने आया कि इन्हें जबरदस्ती देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था। पर्वते द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह सारा कार्य ऑनलाइन किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट शामिल है। इसमें और अधिक जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पहले एक गोपनीय खबर मिला ली होती कि ओयो टाउन हाउस हे मेयो हॉस्पिटलच्या समोर एक हॉटेल आहे, त्या ठिकाणी देह व्यापाराचा व्यवसाय सुरू आहे। त्या व्यवसायाची खात्री करण्याकरता आपण एक बोगस पंडर पाठवला हॉटेलमध्ये। ते सगळे हे व्यवहार ऑनलाईन करायचे, त्याच्यामध्ये ऑनलाईनमध्ये जेव्हा आपल्याला माहिती मिळाली त्या पद्धतीनं आपण सापळा लावला आणि बोगस पंटर पाठवला। त्या ठिकाणी 2 पीडित मुलीची सुटका करण्यात आली आणि 3 आरोपी अटक करण्यात आले, त्यामध्ये एक रजत डोंगरे, नंतर तुषार उर्फ सुलतान परस्वानी आणि निलेश नागपुरे असे अटक करण्यात आलेल्या 3 आरोपींचे नाव आहे। त्यांचा सगळा व्यवहार ऑनलाईन चालायचा, त्यामुळे ऑनलाईन ह्या व्यवसाय जे गुंतलेले आहेत त्याच्यानंतर आम्हाला अजून अशी काही माहिती मिळेल त्याच्यावर पण आपण कारवाई करणार आहे। सर, ही जी मुली पीडित मुली आहे, कुठे रहिवासी होती आणि काय कामधंदा करते, काही माहिती आहे का? आपण ज्या 2 पीडित मुलींची सोडवणूक केली त्यापैकी एक इंदोर इथली आहे आणि एक कोलकाता इथली मुलगी आहे। त्यामध्ये एक मुलगी शिक्षणातील आहे, एअर होस्टेस कोर्स करत आहे,